और आग इतनी भयंकर लगी, 15 से 20 गाड़ी जो कि हिब है अंदर जल की राख होगी। तो उस समय देखा कि पीछे की साइड में जो वर्कशॉप का एरिया है उसमें काफी नुकसान हो चुका था, सब जल की जो है वो राख हो गया है। गर्मी इतनी ज्यादा होगी, नीचे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो फर्श है कोटा स्टोन को वो फर्श भी टूट गो, शीशो जो है वो टूट के बिल्कुल चकना चूर हो गया है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है पर बुझते बुझते जमाना लग जाता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू। कैमरा मैन के साथ आदाब पहुंचे हैं झुंझुनू के रिको एरिया में, वहाँ अभी खड़े हैं हुंडई शोरूम के सामने और रात ना लगभग 1-1.5 बजे का समथिंग जो कि है बा जो को शोरूम है पीछे की साइड जो गाड़ी का डेंट पेंट कर जा है पीछे साइड में आग लागी बताऊँ। और आग इतनी भयंकर लागी, लगभग आग लागने के 15 से 20 मिनट बाद में जो का पूरा जगह स्टाफ है और जो को गार्ड भी आकर रहा है, पीछे भी 2-3 स्टाफ था बन जाते बेरो पड़े, तो इतनी भयंकर रूप में ले चुके हैं। और बताया बड़े द्वारा ये हो जाए कि कुछ जगह नई गाड़ी बाहर निकाली हो गई, लेकिन नुकसान इतना है, लगभग 15 से 20 गाड़ी जो कि हिब है अंदर जल की राख होगी, नुकसान बहुत ज़्यादा है। बातचीत कराँगा आप पूरा कुछ टाइम में ऑन द स्पॉट, कौन मौजूद हो, के बजे की यह बात है, कहीं है कि पूरा घटनाक्रम हो, सारी बातचीत आप कराँगा, वीडियो मन तक बने रही हो। राम राम जी। राम राम। तो जब आग लागी है बताओ कि थ्योरे मौजूद आगे। जी हम सो रहे थे रूम में, तो जब अंदर कूलर से धुआं गया अंदर, तो हमें घुटन सी हुई, हमने आगे देखा बाहर पूरी वर्कशॉप में आग लगी हुई है। लगभग कितने बजे की बात है देखिए? 1:48 पे हमारी आँख खुली, तब देखा धुआं जा रहा था, जब हमें घुटन सी होने लगी, हम बाहर आए शोरूम में, चाबी ली शोरूम में से, गाड़ी निकाल ली सारी, बाहर नहीं बाहर खड़ी कर। कितनी गाड़ी भी टाइम शोरूम के अंदर मौजूद थी? 8-9 गाड़ियाँ थी। तो 1:48 पे देखे हो तो थाने के लागे की लगनी लाग चुकी है, मतलब कितनी तेज रूप ले चुकी है शोरूम में, बहुत पूरी आग ही आग हो रही थी, धुआं मतलब गैस बननी थी अंदर जो, फिर हमारे उधर कमरे के उधर जंगल है उसमें वो धुआं जा रहा था, तब हमारी आँख खुली घुटन से देखा हमने, फिर आके हमने बताया, फोन करा। तो सबसे पहले थे मौजूद, आग लगी थे बताओ कि आग आगे की साइड लगी है या फिर पीछे की साइड लगी? पीछे की साइड। थे भी मौजूद आगे? हाँ। क्या नाम? दरो नवीन। तो थे सबसे पहले जब आग लगी तो किन के इन्फॉर्म करो, किन बुलाया? फोन में तो मायनू गाड़िया की चाबी ले आया ना, फोन कर दिया लड़का ही करे थे फोन। पहले मैंने मिलाया जीतू भाई को, उन्होंने उनका फोन बंद था, फिर मैंने एमडी सर को मिला दिया। तो लगभग जाए थार फोन मिलाने के बाद में कितनी देर बाद में जगी गाड़ी ही पहुंच गई? वह आधे घंटे में आई थी। मैं तो अभी का पहुंचने के बाद में कोई चीज़ कोई जहाँ कोई फायदा होगी भाई, आधे घंटा पहुंच गई तो कोई चीज़ बच सके या फिर जहाँ जो नुकसान होने होगा? थोड़ा शोरूम बचा आ गया, शोरूम में गाड़ी तो आप पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो जो शोरूम वाले की गाड़ी थी ना वो निकाल दी थी। अच्छा, एक बात और परिचय दे दो। हाँ, श्रीपाल व्यास, जनरल मैनेजर सेल्स। और पहुँचा? हाँ, मैं सीकर से आता हूँ, तो मैं लगभग 6 बजे के आसपास पहुँचा था यहाँ पे। हाँ, आज भी 6 बजे पहुंचा था, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे को लेट मिली थी, तो मैं उस समय मिलते ही मैं तुरंत रवाना हो गया था। बताओ कि जब उर आया तो क्या माहौल? हाँ, जब मैं यहाँ पर आया तो उस समय देखा कि पीछे की साइड में जो वर्कशॉप का एरिया है उसमें काफ़ी नुकसान हो चुका था, नुकसान का आकलन तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कितना है। कितनी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुआ अंदर वर्कशॉप में? देखो एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ 15-16-17 गाड़ियों के आसपास की होना चाहिए। तो गाड़ियों का अलावा और क्या नुकसान है? बाकी मशीनरी है, मशीनरी का नुकसान हो गया, पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, और कंप्यूटर वगैरह है, फर्नीचर है, अलाइनमेंट मशीन है, बाकी पेंट बूथ है, इन सब सारी चीज़ों का और भी काफ़ी, अभी लिस्टिंग हमारी जारी है, बना रहे हैं पूरा क्या क्या नुकसान हुआ वो तो एग्जैक्ट उसके बाद पता चलेगा। नई गाड़ी कितनी मौजूद है? नई गाड़ियाँ शोरूम में 6-7 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको बाहर निकाली, एक नई गाड़ी अंदर की तरफ वर्कशॉप में खड़ी थी, तो उसका एक गाड़ी का नुकसान हुआ। अच्छा, बताओ कि जहाँ अभी भी जहाँ देख रहे हैं कि धुआं भी साफ से बरकरार है, तो अग्निशमन पहुंचने के बाद में आग जल्दी से बुझाई जा सकी है, फिर जहाँ और आगे पूछो? नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी जारी करी, लेकिन पीछे काफ़ी ज़्यादा आग थी, तो ये लगभग मान के चले 7 बजे के आसपास तक इस पर काबू पाया गया। मैं बताओ कि जहाँ पुलिस वगैरह में फ़ोन करोगे कोई? अभी इन्फॉर्मेशन नहीं, FIR कराने के लिए अभी जाएंगे, अभी फिलहाल पहले लिस्टिंग बना करके क्या नुकसान है वो लेकर के फिर जाएंगे। पुलिस ने रात में फोन? पुलिस आ गई थी, आ गई थी ना, वो मैं उस समय रात में था नहीं तो मुझे ध्यान नहीं है, आ गई। कितने बजे आई पुलिस? पुलिस आ गई थी लगभग 2:30 बजे के लगभग आ गई थी। पूरे मौजूद आ गए? मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले किन फोन करे थे? मैं फोन पहले ये कर चुके हैं, मैं आता हूँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकालिया और जो भी मारक का बूमा आई जो चीज़ भाई बचाव करे करे अभी। ये कारण था समझ में आया कि अभी वजह से आग लगी? कारण का तो कोई आइडिया नहीं है सर। अभी टाइम कोई जागरूक भी होगी जाए आग लगी टाइम को जाग भाई आपने देखा कि बताया होगी बीड़ी सिगरेट वगैरह कोई गेट भी से भी लाग जाए तो कोई जाग रहे हो नहीं, तो मेरे हिसाब से या चीज़ तो शायद लोगों से कोई जागरूक भी होगी। कोई कौन जाग रहे हो, सब सो रहे हैं। शॉर्ट सर्किट थे मान रहे हो कि तक के मान के चल रहे हो? शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं, बाकी कोई आइडिया नहीं है। अभी आप खड़ा हुंडई शोरूम का जो वर्कशॉप है जिसके अंदर
फिर मैं पीछे साइड देख रहा हूँ कि गाड़ी जी की है बा थान में गणा दू, एक तो यह खड़ी है, दूसरी बा है, तीसरी थान मेरा बिल्कुल सामने थान दिखाई होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 गाड़ी जी की भी अपन बिल्कुल आंखें से दिखाई दे रही हैं। लगभग की आप बता कि एक एसेसरीज हैं जिस हिसाब से सर्विस वगैरह करी जा है, गाड़ियाँ की वॉशिंग करी जा है, सामान जो को गाड़ियों को पार्ट्स वगैरह हुआ है सब जड़ की जो है वो राख हो गया है। ऊपर अपन पंखा दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल टूट गया ही, और आगे हम बता कि इतनी भयंकर लागी और इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, नीचे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो को फर्श है कोटा स्टोन को वो फर्श भी टूट को हो, तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि आग जगी वक्त इतनी भयंकर लगी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि अग्निशमन जो है वो आगो हो लगभग 2:30 बजे के करीब, लेकिन फिर भी धुओं जो है अभी साफ से निकल रहा है, अंदर जो सामान है जहाँ पेंट करने की जगह मशीन है भी बिल्कुल जल गई है, बिल्डिंग ने बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बराबर अग्निशमन के अंदर को जो पानी गिरे हो अभी वजह से पानी अभी भी टपक रहे है। तो ये जो रूम हो क्या कहो ये पार्ट्स को पार्ट्स को हो, हाँ ये स्टोर हो, इधर ऊपर तो स्टॉक हो सारो सारो, और नीचे पार्ट्स रूम हो। कोई चीज बची भी है कि जगह जली नहीं हुआ कुछ भी बची नो को सामान हो वो भी मतलब आपा बात करें कि बिल्कुल नुकसान होगा तो बाकी चीजों बचने को ऊपर हो यो पूरा का मैं पार्ट्स रूम ही हो। ये जो नया दरवाजा जो भी है बॉडी पार्ट है सारो सारो जो भी है सारो जड़ चुके है, ये सारो नए पार्ट तो अभी तक था जो कोई स्टाफ है गार्ड भी उड़ा हो दो चार जाए वर्कशॉप का जो लोग है भी उड़ा मौजूद था, कोई जान हानि की तो कोई अभी तक तो कोई जानकारी सामने को नहीं है जान हानि कोई को नहीं बता रहा कि जान हानि को नहीं, यह भी एक बहुत बड़ी शुक्रिया की बात है, लेकिन नुकसान जो बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं देख पा रहा हूँ कि चारों तरफ जो वो धुओं धुओं और आप बात करें कि नुकसान ही नुकसान जो अपन दिखाई दे रहा है। आगे जड़ तक अपन अंदाजों लगा है कि आगे की साइड जगह देख रहे हो, आगे की साइड अपन देख रहे हैं कि वो जो को शोरूम को जो रस्तों है भी अंदर नई गाड़ियां जगह भी खड़ी रही, तो अंदाजों ये लगा जा रहा है कि आग भटे कम पहुंची है। तो भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रिसेप्शन एरिया के सामने जो आप खड़े हैं देखा कि शीशे को बिल्कुल उ गेट होया करते हो, लेकिन गर्मी की वजह से जब आग लगी तो इतनी ज़्यादा गर्मी उ हीट इतनी ज़्यादा हो गई कि शीशो जो है वो टूट के बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। निशाबन जो है वो आपको काम जो है बिल्कुल बखूबी से करे है और आग जो बुझ गई, लेकिन बुझने से पहले आप देख रहे हैं कि चेयर हो चाहे और सामान हो जड़ की पूरा राख हो गया है, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई की जान जकी है अभी तक को नहीं गई। तो वीडियो पूरा देखने में थाना लगा कि आग लागने की जगह वजह है बाकी उसका है कितनों के नुकसान जो कोई के अंदर हो थारी जी राय है मैंने कमेंट बॉक्स जरूर दोगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए, करने की घंटी को निशान है वो भी दबा दिए ताकि हमारा आवड़ा लिथ हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ए बनाए रखो।